दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं तो दोस्तों फेसबुक पर आप अपना प्रोफाइल सेक्शन के सामने आप जो है वॉच हिस्ट्री का कैसे ऑप्शन यहां पे इनेबल कर सकते हैं, यानी दोस्तों वॉच का जो आइकन है आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आप वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है इसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा इस चैनल पर तो इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और हमारा फेसबुक अकाउंट लॉगिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टैब है, जैसे होम पेज का एक टैब है, साथ ही एक वॉच का एक टैब है, साथ ही प्रोफाइल पेज नोटिफिकेशन और थ्री लाइन। तो ये जो वॉच का टैब है दोस्तों इसे आप कैसे इनेबल कर सकते हैं इसी के विषय में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज़ के वीडियोस देखने को मिलेंगे और जो भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो ज़्यादा अधिक वायरल होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फेसबुक पर ये वॉच आइकन या फिर वॉच टैब को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे आना होगा, एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको नीचे आना होगा, नीचे दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा शॉर्टकट बार। आप देख सकते हैं शॉर्टकट बार पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे वॉच का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल पेज, गेमिंग ग्रुप्स। अगर दोस्तों आप ये वॉच का ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं यानी इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑन करना होगा। आप अपने अनुसार दोस्तों शॉर्टकट बार में मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऑन है, अगर इसे आप ऑफ़ करेंगे तो आपका वॉच का ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन अगर आपको इसे ऑन करना है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, वॉच का ऑप्शन आपका आ जाएगा शॉर्टकट में। इसी प्रकार से प्रोफाइल पेज, गेमिंग ग्रुप्स ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चल गया है कि वॉच का जो आपको आइकन मिलेगा वो कहां से कौन सा सेटिंग से आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।